गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद मुर्तजा ने मंदिर परिसर में हमले की बात मानी है। 4 अप्रैल को मुर्तजा ने जो बयान दिया उसमें उसने मुसलमानों पर जुल्म, CAA NRC और कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर गुस्सा होने की बात कही है। तो ये कबूलनामा है मुर्तजा का, 4 अप्रैल वाला मुर्तजा का ये बयान। और अपने इस बयान में मुर्तजा कह रहा है कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, CAA NRC और साथ ही कर्नाटक का हिजाब विवाद, इन तमाम बातों को लेकर उसमें गुस्सा था। रूल्स के लिए तो उनको एक कुर्पी, हमने पूछा कुर्पी, तो कुर्पी के लिए बताया अंदर कोई कटने में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 4,500 रुपये का सामान था, टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से रगड़ा है, टेम्पो में रगड़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व है, गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखीनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पर हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, तमाम काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CAA NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा, तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच रहा, बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा लें, बीड़ा उठा लें, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा, हाँ यही सब सोच सोच के जो है हमने मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे, हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे घर से निकल के आगे मानो चुके, हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई उसमें, आँखें मेरे पूछ गई, नेपाल में भी थे सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी जहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है, आप देखिए हमने तो आप सुन रहे थे मुर्तजा को, गोरखनाथ धाम में हमले का आरोपी है मुर्तजा और कैमरा पर साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि कई बातों को लेकर उस पर गुस्सा था। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, इस कबूलनामे में दो चीजें साफ समझ में आती है, क्योंकि जांच के बीच ये भी सामने आ रहा था कि वो रेडिकल विचारधारा से काफी हद तक प्रभावित था और जाकिर नायक के वीडियोज देखता था, ISIS के लिंक भी खंगाले जा रहे थे और परिवार जो अब तक कह रहा था कि वो मनोरोगी है, कहीं ना कहीं उस बात पर भी डाउट पैदा होता है। देखिए प्रतिमा, इसका जो वीडियो आपने देखा और इसका जो कबूलनामा देखा उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि किस कदर ये रेडिकलाइज हो चुका था कि ये गोरखनाथ मंदिर पर हमले की प्लानिंग करता है और मरने मारने तक की बातें करता है। और पहले भी जिस तरह के ATS ने मुर्तजा से पूछताछ में खुलासे किए तो उसमें ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि इसके जो मोबाइल है, इसका जो लैपटॉप है, उनमें कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें जो जाकिर नायक से जुड़े हुए हैं, जो ISIS से जुड़े हुए हैं, कई ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं को देख करके ये बहुत ज्यादा कट्टरपंथ इसके अंदर आ चुका था, इसकी सोच बहुत कट्टरपंथी हो चुकी थी। और अब जो इसका ताजा कबूलनामा आप देख रहे हैं उसमें भी ये बात स्पष्ट हो चुकी है। अलग बात है कि परिवार वाले ये दावा कर रहे हैं कि वो मनोरोगी था, उसका उपचार चल रहा था, लेकिन एक बात अगर आप देखें जो मुर्तजा के पिता का बयान है, उनका ये कहना है कि ये मरने के लिए आमादा था, सुसाइडल टेंडेंसी इसके अंदर डेवलप हो चुकी थी और यही सोचकर वो गोरखनाथ मंदिर गया और वहाँ बांके से सिपाहियों पर हमला किया। लेकिन जब मुर्तजा बांके से सिपाहियों पर हमला करने के बाद सीधे पुलिस की कस्टडी में आ गया था, आखिरकार उसके पिता को ये बात पता कैसे चली कि वो सिपाहियों पर हमला करने गया, तो ऐसी कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो संदेह पैदा करती हैं। और निश्चित रूप से जो ADG LO से हमने बात की प्रशांत कुमार से, तो उन्होंने भी ये कहा कि उनके परिवार वालों का जो दावा है उसको भी हम दिखवाएंगे, उसकी जो मनोरोगी होने की बात की जा रही है हम उसकी भी जांच कराएंगे। ABP News आपको रखे आगे।